आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हेलो गाइस सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम क्या दिया है वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज गिवन इन द प्रॉब्लम हैविंग इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर इज गिवन पी नॉट वी नॉट एंड 438 केल्विन इसमें बोला है कि गाइस सबसे पहले स्टेप में गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है जब तक इसका वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम का थ्री टाइम्स ना हो जाए उसके बाद गैस को आइसोबेरिक कंप्रेशन प्रोसेस में लाया जाता है जबकि गैस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाती है फाइनली गैस को आइसोकोरिक इंक्रीज इन प्रेशर मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है सो डैट फाइनल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P नॉट बी नॉट और फोर थर्टी एट केलविन हो जाए मतलब गैस अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए मतलब एक साइकिल कम्प्लीट हो गया फाइंड द टोटल हीट फॉर द थ्री स्टेप प्रोसेस और हमें यह भी बताना है कि सिस्टम में हीट ऐड हुई है या हीट बाहर गई है सिस्टम से तो गाय लेटेस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम गाय अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो ऐसे प्रॉब्लम को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप प्रॉब्लम को बनचीज में तोड़ लो तो सबसे पहले गाय जिसमें हो क्या रहा है अगर हम बात करें डेट इज द आइसोथर्मल आइसोथर्मल क्या हो रहा है गाय डेट इज द आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस हमने प्रोसेस को नाम दिया डेट इज द वन टू टू प्रोसेस को आइसोथर्मल बोला और हो क्या रहा है इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो हमने लिख दिया डेट इज द एक्सपेंशन इस तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगी आफ्टर डेट हमारा दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है गाइज अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें डेट इज़ द आइसो बारिक प्रोसेस तो डेट इज द आइसोबारिक और हो क्या रहा है डेट इज़ द आइसो बारिक कम्प्रेशन तो आइसो बारिक पहला बात तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया डेट इज द टू से थ्री प्रोसेस को आइसोबारिक बोला और आइसो बारिक की क्या खासियत होती है गायज कि प्रेशर इस प्रोसेस में कॉन्स्टेंट रहता है और आइसोथर्मल की खासियत है टम्परेचर कांस्टेंट रहना वाला है लास्ट में बोला आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक का मतलब होता है गाइज कि हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा वाट इज द दिस्टीज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इट मीन द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्सटेंट और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया थ्री सेवन अगर हम तीनों प्रोसेस को ऐड कर दें तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है तो गाइज अगर आप इसी तीनों प्रोसेस का हम प्रॉपर्टी डायग्राम बनाने वाले हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ तो लेटस्ट से ही क्या होने वाला है अगर हम इसका प्रोसेस में प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ करें और वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर और हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया डेट इज द मीटर क्यूब एंड प्रेशर इट टेकन इन पास्कल गाइज हो क्या रहा है कि गैस की इनिशियल स्टेट वन हमने कंसीडर कर ली सपोज गैस की इनिशियल स्टेट वन यहाँ है यहाँ से गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंशन कर दिया दिस इज द स्टेट टू स्टेट वन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वॉल्यूम इनिशियल वी नॉट था फाइनली एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम हो रहा है थ्री वी नॉट एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज गिवेन इनिशियल प्रेशर की वैल्यू हमें कितनी बताई है वन पॉइंट पे डेट इज द पी नॉट आफ्टर डेट टू से थ्री प्रोसेस में आइसोबेरिक कंप्रेशन प्रेशर कॉन्स्टेंट है और कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम होगा तो हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस यहाँ से ड्रॉ किया दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस गाइज और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा फिर से ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया आफ्टर डेथ आइसो कोरिक तो वॉल्यूम रहेगा कॉन्स्टेंट तो दिस इज द प्रोसेस थ्री टू वन हमने थ्री टू वन प्रोसेस को यहाँ पे शुरू किया दिस इज आवर प्रोसेस थ्री टू वन दिस इज द थ्री टू वन प्रोसेस हो गया हमारा ओके गाइज दिस इज द थ्री टू वन अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है इफ़ वी ओके दिस इज द टू एंड दिस इज द पॉइंट थ्री थ्री टू वन और प्रेशर बढ़ा है तो गए जी इस तरीके से हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया और इस कंप्लीट साइकिल के लिए हमें बताना है टोटल नेट हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ अगर हम क्यू टोटल की बात करें डेट प्रोसेस वन से टू में डेट क्यू वन टू प्रोसेस टू से थ्री में और प्रोसेस थ्री से वन में नेट हीट इंटरेक्शन कितना हुआ तो गाइज अगर हम थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ की बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिस क्या होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बोलता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिस अगर हम अप्लाई करते हैं फाला साइकिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स फारा साइकिल तो साइकिल के लिए हमें पता है कि गाइज अगर वन पॉइंट से हमारा गैस ने अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया तो फाइनली वन पे आएगा तो साइकिल के लिए अगर हम थर्मोडाइनमिक्स ला लिखेंगे दैट डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू तो साइकिल के लिए गाय जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है प्रॉपर्टी होती है एंड फॉर अ साइकल साइकल के लिए क्या होता है स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है वन से चली वन पे ही आ गई तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी इसलिए जितना भी हमारा क्लोज साइकिल के लिए हमने एक इंटीग्रेशन का साइन लिख दिया क्लोज तो साइकिल में जो नेट हीट का इंटरेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन क्लोज साइकिल ये गाइज हमारा हो गया फंडामेंटल लॉ कि जो हमारे पता चला कि क्लोज साइकिल के लिए जो नेट हीट इंटरेक्शन होता है दैट इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन गायज हमें यहाँ से ये यह पता चला कि अगर हम नेटवर्क का इंटरेक्शन निकाल लें तो वही हमारा हीट का इंटरेक्शन होगा इसका मतलब गायज हमने इस चीज़ को सिंपली लैंग्वेज में क्या लिख दिया कि डैट क्यू वन प्लस टू क्यू टू टू थ्री क्यू थ्री प्लस थ्री टू वन डेट ई रिटर्न एज डब्लू वन टू प्लस डब्लू टू थ्री प्लस डब्लू थ्री वन ओके गाइज अगर हम इस क्लोज साइकिल के वर्क को पाथ वाइज ओपन करें तो वन से टू टू से थ्री और थ्री से वन इसी तरीके से लिखेंगे तो गायज अगर हम वर्क की बात करें तो पी डायग्राम से वर्क निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमें पता है वन से टू में हमारा टेम्परेचर गायज कॉन्स्टेंट है टू से थ्री में गायज प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है और थ्री से वन में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो हम इसका वर्क आसानी से लिख सकते हैं डेट इज द इक्वेशन नंबर वन गायज अगर हम बात करते हैं वन से टू में कितना वर्क होगा तो गायज हमें पता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क इज सिंपली रिटेन एन आर टी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल गाइज फाइनल वॉल्यूम हमें पता है कि स्टेट टू का थ्री टाइम्स है वी इनिशियल के तो यहाँ से हम इस वैल्यू को यूज किए और गैस है मोनोएटॉमिक और नंबर ऑफ मोल गैस का वन है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट किए तो डब्लू वन टू की वैल्यू आने वाली है डेट इज़ द आर टी टेम्परेचर हमें कितना दिया है डेट इज द फोर थर्टी एट के एलविन तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू फोर थर्टी एट एंड दिस कैन बी रिटर्नाइज लॉग थ्री बेस ई पे इसी तरीके से गाय अगर हम डब्ल्यू टू थ्री की बात करें तो डेट इज द आइसो बारिक प्रोसेस आइसो बारिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट है वो तो वर्क को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेट वर्क इज प्रेशर इन टू चेंज और प्रेशर की वैल्यू कितनी है गाइज हमें पता है गाइज कि अगर वन से टू प्रोसेस में हमारा टम्परेचर कांस्टेंट है तो वन से टू प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं वन पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इंटू टू पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो टू पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा अगर वॉल्यूम है गाइज थ्री वी नॉट तो हमारा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा डेट वी नॉट अपॉन थ्री इसका मतलब हमें प्रेशर पता चल गया किस पॉइंट पे थ्री पॉइंट पे और टू पॉइंट टू पॉइंट पे तो हम इसको लिख सकते हैं गैज पी टू और वो पी थ्री के इक्वल होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर हो गया पी नॉट अपान थ्री और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी डेट इज द थ्री वी नॉट माइनस वी नॉट डेट इज द टू बाई थ्री और गैज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी नॉट वी नॉट गायज हमें पता है कि पी नॉट वी नॉट इज ऑल्सो रिटेनाइज अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की तो पी नॉट बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं डेट पी नॉट बी नॉट इज रिटर्न एज एन आर टी तो यहाँ से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं डेट कैन बी रिटर्न एज टू बाई थ्री और एन की वैल्यू वन है आर और टेम्परेचर डेट इज द फोर थर्टी एट डेट इज द जून इसी तरीके से अगर हम थ्री से वन में वर्क की बात करते हैं तो हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो क्यों हुआ बिकॉज ऑफ प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। तो अगर हम टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टोटल हीट के बराबर डेट इन द क्यू वन टू क्यू टू थ्री एंड क्यू थ्री वन डेट के अनबी रिटेन एज इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो हमें आर इंटू फोर थर्टी एट कामन हो गया गाइज और अंदर क्या बनने वाला है डेट इन द लॉक थ्री और यहाँ से हमें दिख रहा है प्लस लॉक थ्री और क्या दिखने वाला है गायज अगर यहाँ पे गायज हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारा टू से थ्री प्रोसेस है यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर तो कांस्टेंट है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टू से थ्री प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन है वो निगेटिव आने वाला है इसलिए हमने माइनस पहले साइन लगा दिया इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल हम इस तरीके से लिख पाए क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ से गाय ये वैल्यू होने वाली है डेट इज माइनस टू बाई थ्री और आर और टी तो कॉमन ही निकल गए हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके की वैल्यू बची और गाय जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा क्यू टोटल या क्यू नेट आता है डेट कैन बी रिटर्न एज नियर अबाउट फोर सेवेंटी टू जूल के आसपास ये वैल्यू आ रही है और लेटे से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अगर हम ऑप्शन को ध्यान दें तो हमारे जीवन एन आंसर से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू आने का क्या मतलब है कि सिस्टम में हीट हुई है तो हम बोल सकते हैं कि क्यू नेट पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स हीट इज एडेड टू सिस्टम हीट इज एडेड टू सिस्टम ये हमें पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है और इससे जो नियर अबाउट वैल्यू हमें मिल रही है डेट इज द ऑप्शन सी इज द राइट वन क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर